नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में कोरोना संकट की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी है। यही कारण है कि अब 1 मार्च से बिहार के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में आयोजित संकट प्रबंधन समूह के परामर्श के बाद बिहार के प्रारंभिक कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि समूह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 1 मार्च से जूनियर छात्रों के लिए स्कूल को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। की निरंतरता या समाप्ति का फैसला करने के लिए 15 दिनों के बाद इसकी समीक्षा बैठक की जाएगी। बता दें कि अभी कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएं कोरोना गाइडलाइन के नियम और 50% विद्यार्थियों के साथ खुल गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्कूलों को भी कक्षा 6 से 12 के लिए जारी किए गए COVID-19 गाइडलाइन और सुरक्षा के लिए जारी सारे दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को भी वरिष्ठ छात्रों की तरह ही स्कूल खोलने के पहले 2 फेस मास्क दिए जाएंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने वाला है, ऐसे में प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने के सरकार के फैसले का कई अभिभावकों ने भी स्वागत किया है। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सुझाव के बाद पटना शहर के निजी स्कूलों ने 1 अप्रैल को नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए महीने के अंत तक नए प्रवेश पूरा करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। माउंट कार्मेल हाई स्कूल और DAV पब्लिक स्कूल ने सोमवार को प्राथमिक समूह के लिए प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की है। वहीं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि मार्च में राज्य भर के 72,000 सरकारी स्कूलों में नए छात्रों को दाखिला दिलाने के लिए प्रवेश अभियान चलाया जाएगा। वहीं बिहार के सभी मध्य विद्यालय 8 फरवरी से खोल दिए गए थे। आपको बता दें कि 29 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के राज्य के सभी मध्य विद्यालयों को खोल दिया जाएगा। वहीं 5 फरवरी को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मध्य विद्यालयों को खोलने के संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया था। मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक स्कूल को भी कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए जारी किए गए COVID-19 गाइडलाइन और सुरक्षा के लिए जारी सारे दिशा निर्देश का पालन करना होगा। स्कूलों में साफ सफाई की सुविधा, डिजिटल थर्मामीटर, साबुन आदि की व्यवस्था विद्यालय शिक्षा समिति करेगी। स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल कैंपस की रोजाना सफाई करनी होगी। स्कूलों में बाहरी वेंडरों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बच्चे घर से पका हुआ लंच ले जाएंगे। स्कूलों में पानी एवं साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। कुंडी, डैशबोर्ड, बेंच डेस्क को निरंतर सैनिटाइज करना होगा। स्कूल बसों को रोजाना 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को जिन चीजों से बचने के निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। फेस मास्क न खोलें, विशेषकर जब समूह में हो। एक दूसरे से मास्क की अदला बदली न करें। इधर उधर न थूकें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में भोजन साझा नहीं करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।